So today we are going to start with residential status of HUF. Sir. हाँ तो पेज नंबर 23 में जो एक्सटेंशन वाला था ना उसका हमको एक तो का नहीं आया, समझ में नहीं आया। ठीक है, देखते हैं क्लास के बाद में। गिव द हेडिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। गिव द हेडिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इंडिविजुअल्स का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या चीज पे डिपेंडेंट था? इट वॉज डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, यस और नो? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस वॉज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, यस और नो? लेकिन एचयूएफ का ऐसा नहीं है। एचयूएफ का बेसिस पता किसमें है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफिस अफेयर्स। किसमें है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफिस अफेयर्स। क्या बोलता है कि अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली पार्शियली या कंप्लीटली इंडिया में है तो उसको हम लोग रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे। अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एनआरआई। तो एचयूएफ के लिए क्या चेक करते हैं? व्हाट डू वी चेक फॉर एचयूएफ? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफिस अफेयर्स। एंड इफ इट इज फुल्ली आउटसाइड इंडिया देन इट इज एनआरआई। इफ द पार्शियल बिजनेस और कंप्लीट बिजनेस इज इन इंडिया देन इट इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? The expression control and management referred to under section 6 refers to the central control and management and not to the carrying of day-to-day business by servants, employees or agent. ये day-to-day business का बात नहीं कर रहा है, ये central control and management का बात कर रहा है। The business will be done from outside India and yet its control and management may be wholly within India. Therefore, control and management of a business is said to be situated at a place where the head and brain of the adventure is situated. So, क्या बोला गया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए? क्या बोला गया है कि जहां पर कौन बैठा है? हेड एंड ब्रेन। हेड एंड ब्रेन इज सिचुएटेड। द प्लेस ऑफ कंट्रोल में भी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग द बिजनेस एंड समटाइम्स इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एसएससी। दिस इज बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस नीड नॉट नेसेसरीली बी डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस और फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस। But control and management do imply the functioning of the controlling and directing power at a particular place with some degree of permanence. मतलब बहुत ज़्यादा flexible नहीं होना चाहिए। It should not be very flexible. उतना कुछ ज़्यादा flexible नहीं होना चाहिए। It should imply functioning of the controlling at a particular place with some degree of permanence. कुछ हद तक जहाँ से आप control करते हैं वो जगह permanent होना चाहिए। तो एचयूएफ का प्राइमरी कंडीशन के लिए क्या देखना पड़ता है? एचयूएफ का प्राइमरी कंडीशन के लिए क्या देखना पड़ता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर थोड़ा बहुत भी इंडिया में तो उसको क्या बोला जाएगा? आरओआई। अब सेकेंडरी कंडीशन के लिए क्या बोल रहा है? जो हेड ऑफ द फैमिली है, एचयूएफ का हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? कर्ता। एचयूएफ का हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। तो अगर हेड ऑफ द फैमिली सेकेंडरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कर्ता अगर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 सेटिस्फाई कर रहा है तो एचयूएफ को भी आरओआरआई बोला जाएगा। क्या बोलता है? इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस देन एचयूएफ विल बी आरओआरआई। अगर कर्ता तुम्हारा दोनों एडिशनल कंडीशन फॉलो करेगा, बोथ द एडिशनल कंडीशन, कर्ता तुम्हारा बोथ द एडिशनल कंडीशन फॉलो करेगा तो एचयूएफ को क्या बोला जाएगा? आरओआरआई। अगर नहीं करेगा सेटिस्फाई तो उसको क्या बोला जाएगा? आरएनओआरआई। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बिजनेस कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया। बट पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर। पॉलिसी डिसीजन कहां लिया जा रहा है? वहीं लिया जा रहा है।
कर्ता बॉर्न कहाँ हुआ है? कोलकाता। इंडिया कितना साल बाद आया? 15 साल में। हाँ, तो HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हुआ? NRI? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब मिस्टर ई के लिए सोचो, पहली बार इंडिया आया है? हाँ सर। तो कंडीशन वन तो अप्लाई होगा ही। कंडीशन टू जो है वो अप्लाई नहीं होगा? सर क्यों अप्लाई नहीं होगा? ये फर्स्ट टाइम आया। नहीं नहीं इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिटिंग पर्पस। अच्छा अच्छा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शन? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट। कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, तो बताओ 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर कितना दिन होता है? काउंट करो, 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर कितना दिन होता है? 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक दिन लिया कि नहीं लिया दिसंबर का? हाँ लिया। 245 डेज हुआ। यस सर। मतलब वो प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई किया? हाँ या ना? कर दिया। वो प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया? यस सर। अब सेकेंडरी कंडीशन चेक करो, सर दोनों ही नहीं सेटिस्फाई करेगा? नहीं, क्योंकि पिछला 15 साल में पहली बार आ रहा है इंडिया। यस सर। तो मिस्टर ई का स्टेटस क्या हो गया? आरएनओ आ रहा है। और एचयूएफ का स्टेटस क्या हो गया? एनआरआई। अब बच्चा क्या कंफ्यूज करेगा, बोलेगा जो कर्ता का स्टेटस है वही एचयूएफ का भी होगा, हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, कर्ता का अलग निकालना है, एचयूएफ का अलग निकालना है। अगर यहां पर एचयूएफ का स्टेटस, अगर यहां पर एचयूएफ का स्टेटस आरओआई होता तब जाकर के उसका स्टेटस क्या होता है? आरएनओ आ रही। हम लोग एडिशनल कंडीशन कब फॉलो करते हैं? व्हेन डू वी फॉलो एडिशनल कंडीशन? हम लोग एडिशनल कंडीशन कब फॉलो करते हैं? जब सर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी निकालना पड़ता था। एक क्वेश्चन लिखो कॉपी में, व्हेन डू वी फॉलो एडिशनल कंडीशंस? व्हेन डू वी फॉलो एडिशनल कंडीशंस? इसका आंसर होगा व्हेन वी सेटिस्फाई द बेसिक ऑब्लिक प्राइमरी कंडीशंस। तो क्या एचयूएफ ने प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई किया है? नहीं सर। तो उसका उसके लिए एचयूएफ के लिए तो एडिशनल कंडीशन नहीं देखना है? नहीं नहीं सर। लेकिन मिस्टर ई एज एन इंडिविजुअल, उसका अपना भी तो खुद का कोई इज्जत है, उसका अपना खुद का क्या स्टेटस है कि नहीं है? वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने प्राइमरी सेटिस्फाई किया है। हाँ सर। इसीलिए उसका चेक किए एडिशनल। हाँ। तो आंसर क्या होगा? मिस्टर ई का हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एचयूएफ का हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब तो दिया हुआ था किताब में आंसर, जैसे आप लास्ट वो भी दिए थे क्या नाम है होमवर्क, तो हम तो मतलब मुंह से तो फटाफट हो गया, मतलब देखने से कुछ नहीं करना है तुमको, प्रोविजन लिखना है कि 6-1 क्या बोला है, 6-6 क्या बोला है, और एक्सेप्शन ये तुमको हर सब में छोटा करके लिखना है, ठीक है? उसके बाद तुमको बनाना है फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, और लास्ट में
तुमको कंक्लूजन दे देना है, तुम्हारा आंसर क्या है। सर ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, 2 मार्क्स का रहा तो सिर्फ कंक्लूजन, ऑब्वियसली ऑब्वियसली 2 मार्क्स का रहा तो बस खाली इतना से देके तू छोड़ देगा। ये तो लॉ में जैसे हम लोग लिखते थे वैसे। हाँ अब देखो बहुत फटाफट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फटाफट होगा। क्यों सर? क्योंकि फॉर्म AOPI BOI HEF में जो सिखाए हैं सेम है। पढ़ो क्या बोला है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली और होली इन इंडिया रेसिडेंट। और क्या इसके लिए चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन? नो सर। वो सिर्फ किसके चेक, एडिशनल कंडीशन किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए, HUF और इंडिविजुअल। वेरी गुड, HUF का करता है, HUF और इंडिविजुअल के लिए बस। तो इसको ज्यादा घाटना है हम लोग को, और ये तो घाट चुके हम लोग ऑलरेडी। यस सर। कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा ROI होगा। अब इंडियन कंपनी का मतलब क्या, थोड़ा बहुत तो लॉ पढ़ा ही होगा। कंपनीज एक्ट में इंडियन कंपनी का मतलब क्या है सर? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। वेरी गुड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 आई गेस। सर 2 सबसेक्शन 20 तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, तो किसका है ये? ऐसे कुछ सेक्शन नंबर है। तो कंपनीज एक्ट में जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी, ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। या फिर तुम्हारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हो? इंडिया में। और इसका मतलब क्या होता है, जहां पे तुम्हारा की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आर देयर। देखो तुमको क्या चेक करना है, क्या कंपनी इंडियन कंपनी है, हाँ या ना। इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट, इंडियन कंपनी नहीं है तो क्या चेक करेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, अब यहां सुन लो मेरा बात ध्यान से, पूरा का पूरा इंडिया में होना चाहिए। यहां क्या था, होली और पार्टली। यहाँ क्या होगा, पूरा इंडिया में होगा, फुल्ली। फुल्ली बड़ा बड़ा अक्षर में लिख लो, फुल्ली शुड बी इन इंडिया, फुल्ली शुड बी इन इंडिया। थोड़ा बहुत भी बाहर हुआ, थोड़ा बहुत भी बाहर हुआ तो NRI, थोड़ा बहुत भी बाहर हुआ तो NRI, थोड़ा बहुत भी बाहर हुआ तो NRI। Is it clear? The guidelines issued by the CBDT for determination of OM for a foreign company and transition mechanism of a company which is incorporated outside India, which has not been assessed to tax in India earlier and has become resident in India for the first time due to appliance of OM, has been provided in chapter 12 BC. ये अभी हम लोग का सिलेबस में नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। सर काट देंगे? नहीं, ये पैराग्राफ काट सकता है। तो क्या बोले, पैराग्राफ क्या करना है? ये पैराग्राफ तुम काट सकता है, ये मतलब। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब आप बोलेंगे तब आप अपना अनम्यूट करिएगा, अदरवाइज फिर माइक को म्यूट करके रखिएगा, वरना डिस्टरबेंस आता है आपके घर के वहां से। लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुआ है और मतलब लेटर ऑन मतलब मे बी इट इज टेकन ओवर और समथिंग लाइक दैट, अगर तुम्हारा कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको इंडियन कंपनी माना जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा, बाहर बिजनेस कर सकता है बट उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में।
तो देख लो एचयूएफ का, फर्म का, एओपी का, बीओआई का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का और लोकल अथॉरिटी का, ये सबका रेसिडेंशियल स्टेटस किस पे बेस्ड है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सीएमए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स कंपनी का किस पे बेस्ड है? सर इनकॉर्पोरेशन और प्लेस ऑफ इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट। और इंडिविजुअल किस पे बेस्ड है? ऑन द स्टेज ऑफ इंडिया नंबर बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। ये पार्ट क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर, यस सर। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है? कितना हिस्सा, उसका सोर्स का कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा? सेक्शन प्रोफाइल याद रखना। नाउ वी आर डीलिंग विथ सेक्शन 5 प्रोवाइड्स द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। In terms of the residential status of the assessee, because the incidence of tax on any person depends upon his residential status. अब देखो क्या-क्या चीज़ देखना पड़ता है। उसका residential status देखेंगे, कहाँ due हुआ है, कहाँ received हुआ है, किस समय income accrue हुआ है, या किस समय receive हुआ है। इतना पढ़ने का दरकार नहीं है, शॉर्ट में पढ़ना है अपने को, शॉर्ट में पढ़ना है अपने को। आरओआरआई के लिए लिखो, आरओआरआई के लिए लिखो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। आरओआरआई के लिए लिखो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल इनकम? एनीवन इन द क्लास, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल इनकम? इनकम फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन सोर्स। पूरे विश्व में कहीं भी कमाएगा, टैक्स आके मोदी सरकार को देगा। पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे विश्व में कहीं भी वो रुपया कमाएगा, उसका टैक्स का लायबिलिटी कहां आएगा? उसका टैक्स का लायबिलिटी कहां आएगा? इंडिया में आएगा। आरएनओआरआई के लिए क्या बोल रहा है? या तो अक्रूवल इंडिया में होगा या रिसीप्ट इंडिया में होगा या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। फिर से बोलो क्या क्या है आरएनआरआई में? या तो बंदा यहां रिसीव किया है, या बंदा यहां अक्रू किया है, इनकम कमा के गया है, या बिजनेस बाहर है, बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में, ट्यूशन सेंटर ऑस्ट्रेलिया में, कंट्रोल हम इंडिया से कर रहे हैं। और एनआरआई में क्या है? Either accrued in India or received in India. Either accrued in India or received in India. तो ये पॉइंट नोट करो, ये पॉइंट नोट करो। ROI में क्या लिखोगे? Global income is taxable. ROI के लिए लिख लो Global income is taxable. कहीं भी पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में कहीं भी वो रुपया कमाएगा, उसको इंडिया में टैक्स देना है। आरएनओआरआई के लिए क्या कंडीशन है? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया है तो कंट्रोल कहां होना चाहिए? अगर आउटसाइड इंडिया है तो कंट्रोल कहां होना चाहिए? इंडिया में, इंडिया में होना चाहिए। और एनआरआई के लिए क्या है? इनकम रिसीव्ड और अक्रूड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड और अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, एक बात लिखो नोट में, रिसीव्ड means
first receipt. Receipt means first receipt. बाहर पैसा रिसीव करके इंडिया को रेमिट कर रहा है वो नहीं माना जाएगा. बाहर पैसा रिसीव करके इंडिया को रेमिट कर रहा है वो नहीं माना जाएगा. बाहर पैसा रिसीव करके इंडिया को रेमिट कर रहा है वो नहीं माना जाएगा. रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल. नोट इट डाउन. रेमिटेंस ऑफ मनी टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल. यहां पर रिसीव्ड का मतलब हो रहा है फर्स्ट रिसीव्ड. यहां पर रिसीव्ड का मतलब हो रहा है फर्स्ट रिसीव्ड. यहां पर रिसीव्ड का मतलब हो रहा है फर्स्ट रिसीव्ड. यहां पर रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट रिसीव. फटाफट लिखो, फटाफट लिखो. यहां पर रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रिसीप्ट. एक सम करेंगे तो क्लियर होगा. हाँ या ना? यस सर. अब देखो, मैं अगर यहां पर लिखूंगा 1, 2, 3, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों में टैक्सेबल है. क्लियर? चलो पढ़ो. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी. क्या अंडरलाइन करना है यहां पर? शेयर्स किसका है? इंडियन कंपनी. तो तीनों में आएगा हाँ या ना? हाँ सर. तीनों में आएगा? ऑल थ्री. नेक्स्ट, जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान किसमें आएगा? ओनली सर, वन में. वेरी गुड, ओनली वन में आएगा. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड आएगा. अरे आरओआरआई में तो सारा ही आएगा. आरओआरआई में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है. तुम कहीं भी रुपया कमाएगा तुमको इंडिया में टैक्स देना है. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंडन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया. लेटर ऑन, हाईलाइट क्या करना है यहां पर? लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया. क्या रेमिटेंस टैक्सेबल है? नहीं सर. किसमें आएगा? वन में. ओनली वन. वेरी गुड, ओनली वन में आएगा. डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी किसमें आएगा? ऑल थ्री. तीनों में. तीनों में आएगा. लेकिन एक बात बता देते आपको, अभी हम लोग वो चैप्टर पढ़े नहीं है. एग्जेम्पशन बोल के एक चैप्टर है, तो इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है कुछ हद तक. तो यहां लिख के रखना स्टार देख करके. रेफर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10. क्या एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स लगा सकते हैं? नो सर. तो ये तो पता ही है, एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. आंसर देखें. यस सर. तो 15 और 10 कितना होता है? 25. मतलब पहला वाला का आंसर 1,06,000 होगा हाँ या ना? यस सर. पहला वाला में क्या लिखे? ऑल थ्री. चलो सही हो गया मेरा, ऑल थ्री. दूसरा वाला में ओनली वन. तीसरा वाला में ओनली वन. अब ये टैक्सेबल क्यों हुआ पता है? पहले एग्जेम्पशन था, अब एग्जेम्पशन नहीं है. यहां लिखो, इसके पहले वाले ईयर तक एग्जेम्पशन था,
अब नहीं है, इसके पहले वाले सर नहीं समझे क्या इसके पहले वाले एग्जम्पशन, मतलब इसके पहले वाला प्रीवियस ईयर, हम लोग कौन से प्रीवियस ईयर पर पढ़ रहे हैं? 2020-21। अगर ये प्रीवियस ईयर 2019-20 का सम होता तो ये टैक्सेबल नहीं होता। फटाफट देख लो, सर ये नोट वन में क्या बोला है?
Is it done? अब हमको ये समझना है कि इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है. ऑल असेसेस आर लायबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड बाय देम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस प्लेस ऑफिस अप्रूवल. मतलब बोलता है कि अगर आप इंडिया में रिसीव कर रहे हैं या डीम टू बी रिसीव कर रहे हैं उसका टैक्स आपको इंडिया में देना ही पड़ेगा. इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द असेसी इमीडिएटली ऑन इट्स एक्चुअल और डीम रिसीव. द रिसीव फ्रॉम इनकम रेफर्स टू ओनली द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रिसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल. देयरफॉर वंस एन अमाउंट इज रिसीव्ड एज इनकम रेमिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम वन प्लेस टू पर्सन अनदर डज नॉट कंस्टिट्यूट रिसीप्ट ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ द सब्सिक्वेंट रिसीव और एट द प्लेस ऑफ सब्सिक्वेंट रिसीव. ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं. कौन कौन सा इनकम डीम टू बी रिसीव्ड होता है देख लो. एनुअल अक्रीशन टू द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर इंप्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, ये तीनों याद करना है. ये तीनों बोला जाता है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. अब अक्रूइंग और अराइजिंग का मतलब क्या होता है ये देखना. Accrue refers to the right to receive income, whereas due refers to the right to enforce payment of the same. For example, salary for work done in December will accrue throughout the month, day to day, but will become due on the salary bill being passed on 31st December or 1st January. So, kya bola? Accrue matlab right to receive. मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा सैलरी ड्यू होते जाएगा, अक्रू होते जाएगा. लेकिन ड्यू कब होगा? जिस दिन मेरा सैलरी बिल पास हो जाएगा. जिस दिन मेरा सैलरी बिल पास हो जाएगा. जैसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो हर दिन इंटरेस्ट नहीं मिलता है, छह महीना में, तीन महीना में, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा. तो जैसे जैसे मंथ्स या डेज पास ऑन हो रहे आपका इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है. बट ड्यू कब होगा? ड्यू कब होगा? On the date of payment of interest. Example पढ़ लीजिए एक बार. 1st January, 1st July. Accrue हो जाएगा लेकिन due for payment कब होगा? 1st July and 31st December. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार अगर आप अक्रूअल बेसिस पे टैक्स लगा दिए, फिर आप क्या नहीं कर सकते? रिसीव बेसिस पे फिर से टैक्स नहीं ले सकते. अब कौन कौन सा इनकम कंसिडर्ड टू अक्रू माना जाएगा? डीम टू अक्रू का मतलब क्या होता है? इट विल बी कंसिडर्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. बस खाली याद कर लेना, इसे समझाने का कुछ नहीं है. एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू एन असेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया,
any property in India, any asset or source of income in India through a transfer of capital assets situated in India. Anybody can do A, B, C, D. BC, PAS, CA. पॉइंट नंबर उनका शॉर्टकट याद कर लेगा बीसी पी ए एस सी ए बिजनेस कनेक्शन पास दैट इज प्रॉपर्टी एंड एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया एंड सी ए स्टैंड्स फॉर कैपिटल एसेट. अब बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पर कोई इंसान काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट. Business connection shall include any business activity carried out through a person acting on behalf of the non-resident. For a business connection to be established, the person acting on behalf of the non-resident must have an authority which is habitually exercised in India to conclude contracts on behalf of the non-resident, habitually concludes contracts or habitually plays the principal role leading to conclusion of contracts by that non-resident, and such contracts should be in the name of non-resident. For the transfer of the ownership, for the granting of the right to use property owned by that non-resident or that non-resident has the right to use, for the provision of services by that non-resident. देख लो यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है. मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स जो कि नॉन रेसिडेंट है, वो ऑर्डर ले रहा है. बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड, वो वाई के लिए ले रहा है. मतलब अगर वो मिस्टर एक्स के लिए ऑर्डर ले रहा है तो डायरेक्टली हो गया, और इनडायरेक्टली क्या, किसी और के भी आप में ले रहा है. लेकिन मिस्टर एक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? मिस्टर वाई, या मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा है, या दोनों जन किसी थर्ड पार्टी से कंट्रोल्ड है. अगर हम एक्स के लिए डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मेरा बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली प्लेस हो जा रहा है. लेकिन हम एक्स के लिए नहीं कर रहे, हम वाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन वाई और एक्स का रिश्ता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कनेक्शन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट कनेक्शन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट कनेक्शन. बेसिकली बिजनेस कनेक्शन वाला वर्ड किसके लिए सिचुएटेड है? ये बिजनेस कनेक्शन वाला वर्ड किसके लिए सिचुएटेड है कोई बता सकता है मेरे को? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो यहां पर अपना काम किससे करवा रहा है, यहां पर अपना काम किससे करा रहा है? बोलो, रिप्लाई करो फटाफट. The person acting on behalf of non-resident. Very good. पर सर ये चार्ट समझ में नहीं आया, सर एक बार वापस बताएंगे? देखो, मिस्टर ए एक्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है? अब मिस्टर ए एक्स के लिए डायरेक्टली ऑर्डर ले रहा है तो डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन हो गया ना. हाँ सर. ये एक्स है, ये तो यहाँ है नहीं, इसके बिहाफ में ऑर्डर कौन ले रहा है? मिस्टर ए. मिस्टर ए ले रहा है तो डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन हो गया. लेकिन मिस्टर ए काम कर रहा है मिस्टर वाई के लिए और इस दोनों में रिश्ता है तो भी तो बिजनेस कनेक्शन हो गया. हम डायरेक्टली सामने नहीं आकर के वाया वाया के थ्रू काम कर रहे हैं. तो जब मिस्टर ए मिस्टर वाई के लिए काम कर रहा है मतलब उस टाइम मिस्टर एक्स के लिए भी कर ही रहा है, दोनों के लिए कर रहा है, क्योंकि वाई और एक्स रिलेटेड है ना. वाई और एक्स रिलेटेड है इसीलिए. कंट्रोल का मतलब समझ में आया? जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड.
Business connection, however, shall not be established where the non-resident carries on business activity through a broker, general commission agent, or any other agent having an independent status. A broker, general commission agent, or any other agent shall be deemed to have an independent status where he does not work mainly or wholly for the non-resident. But ये उसका धंधा है, brokerage, खाना, general agent, commission, वो उसका normal business है. वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एजेंट के लिए काम करो, बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है. He will, however, not be considered to have an independent status in the three situations explained above, where he works mainly or wholly on behalf of such a non-resident. या तो पूरा पूरी वाई के लिए काम कर रहा है, या पूरा पूरी एक्स के लिए काम कर रहा है, या जेड के लिए काम कर रहा है. और जेड किसको कंट्रोल कर रहा है? वाई एंड एक्स दोनों को. फटाफट ये वाला पेज पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आया बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स के लिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स शॉर्ट नोट्स. फटाफट पढ़ो आराम से टाइम लेकर के. इसमें कुछ पूछ रहे हैं आपको इस पैराग्राफ से? दे आर कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, टेकिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है. या फिर ऑर्डर्स लेता है इंडिया में उसके बिहाफ में. इस पॉइंट में क्या बोला है? जितना बिजनेस इंडिया में हुआ है उतना ही माना जाएगा, पूरे वर्ल्ड का नहीं. Only the amount relevant for the business done in India. Only the amount relevant for the business done in India. आगे पढ़े. यस सर.
In the case of non-resident, the following shall not, however, be treated as business connection in India. In the case of a business in respect of which all the operations are not carried out in India. In the case of a business of which all the operations are not carried out in India, the income of the business deemed to accrue arise in India shall only be such part of income as is reasonably attributable to the operation carried out in India. Therefore, it follows such part of income which cannot be reasonably attributed to operation in India is not the part we have already. Income attributable to the operations carried out in India includes income from advertisement targeting customers residing in India or accessing advertisement through IPA, Internet Protocol Address. Income from the sale of data collected from person residing in India. Income from sale of goods and services using data collected. But these are included. Purchase of goods in India for export. Collection of news and views in India for transmission out of India. These are business connection. Nahi mana jayega. Film shooting mein. Activities confined to display of rough diamonds in special notified zone. Special notified zone. अब सुनो ये कब एग्जेम्प्ट होगा जब वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है कोई पार्टनर नहीं है उसका इंडिया में सिटीजन ऑफ इंडिया या वो कोई कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है इंडिया में ये सब आपको देखिए याद करने का है आपको एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा आप इसको याद कर लीजिएगा इन केस यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास ये सब लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे कि अगर आप इंडिया के बाहर सैलरी रिसीव करते हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगा तो ही आप कर सकते हैं इट्स ऑल लाइक करते करते हम लोग को आइडिया लगेगा इस चीज का फिर भी पढ़ लीजिए इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरीज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया इफ इट इज अर्न्ड इन इंडिया सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज अर्न्ड इन इंडिया फर्दर एनी इनकम अंडर द हेड सैलरीज पेबल फॉर रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज प्रीसीडेड and succeeded by services rendered in India and forms part of the service contract of employment shall be regarded as income earned in India. बोलता है कि आप सर्विस करके इंडिया के बाहर चले गए आपको इंडिया के बाहर पैसा मिल रहा है in appreciation of your past services which you have rendered in India. उसका taxability इंडिया में होगा कि बाहर होगा पैसा कहाँ मिल रहा है पैसा कहाँ मिल रहा है money is received बाहर मिल रहा है money is received outside India. But ये पैसा का origin क्या था accrual क्या था अक्रूवल कहाँ हुआ था ये पैसा इंडिया में हुआ था तो इसका टैक्सेबिलिटी कहाँ आएगा इंडिया में आएगा गवर्नमेंट अगर सिटीजन ऑफ इंडिया को सैलरी दे रहा है आउटसाइड इंडिया तो वो इंडिया में ही टैक्स लगेगा उसका इंडिया पे ही टैक्स लगेगा उसका इंडिया पे ही टैक्स लगेगा उसका इंडिया पे ही टैक्स लगेगा However, allowances and perquisites paid or allowed outside India by the government to an Indian citizen for services rendered outside India is exempt by virtue of Section 10, Subsection 7. इसका बोलने का मतलब क्या है कि government of India अगर Indian citizen who is working abroad उसको जो allowances और perquisites दे रहा है वो Section 10, Subsection 7 के तहत exempted है वो exempted है इसके अलावा अलाउंसेस एंड परक्यूसेस के अलावा उसको जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया एग्जांपल देख लीजिए आप मिस्टर डेविड कौन है इंडियन सिटीजन इसको एम्प्लॉयमेंट कहां से मिला है गवर्नमेंट से अच्छा अब ये गवर्नमेंट का जॉब ही कर रहा है बाहर में ठीक है अब बताओ कौन कौन सा टैक्सेबल होगा कौन कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा ये लाइन सोच लेना एक बार इसका मतलब उसका स्टेटस तो एनआरआई का है वो है तो एनआरआई फॉरेन अलाउंस तो टैक्सेबल नहीं होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 बोल दिया है ये वाला टैक्सेबल होगा हाँ या ना होगा ये वाला भी टैक्सेबल होगा हाँ क्योंकि इन इंडिया वर्ड है
और ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एग्रीकल्चर है, क्योंकि कहाँ कमा रहे हो पैसा, पैसा कमा कहाँ रहा है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ कर रहा है? आउटसाइड इंडिया। फिर इंडिया में टैक्स किस बात का लगेगा? सही किए सही किए हैं क्या? फटाफट रीड करो इस क्वेश्चन को, कंप्लीट करो। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, कंप्लीट दिस क्वेश्चन।
Is it done? Next, dividends paid by an Indian company outside India is deemed to accrue or arise in India, and it would be taxable in the hands of shareholders at normal slab rates. Interest ke liye kya bol rahe hain? Under Section 9, Subsection 1, Part 5, an interest is deemed to accrue or arise in India if it is payable by government, a person who is resident in India, a person who is non-resident in India when it is payable in respect of any debt, money borrowed or used for the purpose of business in India. चीज को समझो, अगर interest आपको government दे रहा है, तो कहीं भी दे रहा है उसका taxable कहाँ लगेगा? उसका taxability कहाँ आएगा? India में. A person who is resident in India, where it is payable in respect of any debt incurred or money borrowed or used for the purposes of a business, a profession carried on by him outside India, or for the purpose of making or earning any income from any source outside India, it will not be deemed to accrue or arise in India. क्या बोल रहा है कि अगर आप बाहर पैसा लगाएं या बाहर कमाने के लिए पैसा लगाएं तो उसका taxability इंडिया में नहीं माना जाएगा. मतलब आप लोन ले लिए, लोन का यूटिलाइजेशन देखा जाता है कि कहां हुआ है. लोन का यूटिलाइजेशन जहां हुआ है उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, उस हिसाब से बात हम लोग करेंगे. तो हम सेक्शन सब सेक्शन जो तो याद करना होगा. ना ना ना, एनआरआई टू एनआरआई होगा तो वो नहीं आएगा डीम्ड में. एनआरआई टू एनआरआई होगा तो वो डीम्ड में नहीं आएगा. और इंटरेस्ट और रॉयल्टी का प्रोविजन सेम है. क्या एनआरआई टू एनआरआई क्या तो? अगर एक एनआरआई से बोरो कर रहा है और उसको इंडिया में पैसा लगा रहा है तो इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा. इट शुड बी आरओआई टू एनआरआई ऑब्लिक आरओआई और एनआरआई टू आरओआई. और लोन कहां यूटिलाइज होना चाहिए? इंडिया में. लोन यूटिलाइज होगा कहां? इन इंडिया में. और रॉयल्टी वाले फीचर सेम है, देख सकते हैं आप, सेम प्रोविजंस हैं. इसे हमारा रीडिंग कैटेगरी, इतना याद होगा नहीं, जस्ट रीडिंग कैटेगरी. इसे रीडिंग कैटेगरी में रखें, इतना सारा है वो याद करना पॉसिबल नहीं है. चलिए, अब ये याद करना होगा. मेन मेन क्या चीज याद करना? नहीं नहीं, सब सारा पढ़ना, सारा पड़ेगा, पढ़ना सारा पड़ेगा. पढ़ना नहीं, याद करने की बात से बोल रहा हूं. पढ़ याद कुछ नहीं करना है. टैक्स में याद कुछ नहीं करना पड़ता, पढ़ते पढ़ते वो याद हो जाता है, सम्स करते करते. सम्स करते करते वो याद हो जाता है. चलो मेरे को बताओ, कॉपी बनाओ, कॉपी में कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, नंबर वन इज आर ओ आर आई, नंबर टू इज आर एन ओ आर आई एंड नंबर थ्री इज एन आर आई.
पहला वाला बोलो क्या होगा, वन में तो पूरा आएगा और टू और थ्री में क्या आएगा, आधा आएगा ना, क्योंकि 50% इन इंडिया बोला है और बॉन्ड्स भी इंडिया के बाहर का है, तो इसका अक्रूवल आउटसाइड इंडिया हो रहा है, यस और नो? यस सर, इसका अक्रूवल इज आउटसाइड इंडिया बट पेमेंट 50% इंडिया में है, तो सेकेंड और थर्ड में आधा आधा लिखेंगे और फर्स्ट में तो पूरा आएगा, क्यों आर ओ आर आई के लिए क्या बोला, आर ओ आर आई के लिए क्या बोला है, आर ओ आर आई के लिए क्या बोला है, ग्लोबल इनकम इज ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला बिजनेस कहाँ है, इंडिया में सर, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा तीनों में, हाँ। शेयर्स कौन सी कंपनी का बेचा है, इंडियन कंपनी, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा तीनों में, हाँ। ये वाला बताओ, सिर्फ वन में आएगा ग्लोबल इनकम, अरे अरे अब देखो 50% इन इंडिया, तो वन में तो पूरा आएगा एंड टू एंड थ्री में क्या आएगा, हाफ, हाफ। कंट्रोल कहां से कर रहा है, दिल्ली इंडिया, तो वन और में, वन में पूरा आएगा, टू में पूरा आएगा, थ्री में सिर्फ 40,000 आएगा, क्योंकि इंडिया में कितना रिसीव हुआ है, नेक्स्ट क्या है, बिजनेस कहाँ है, दिल्ली में, तो ऑल थ्री सर, मैनेज तो बाहर है ना सर, बेटा बिजनेस तो दिल्ली में, प्लेस ऑफ अक्रूवल तो इंडिया हो गया ना, मैनेज कहीं से भी करो क्या फर्क पड़ता है, तुम धंधा कहाँ चला रहे हो, दिल्ली इंडिया, ये वाला बोलो, अभी बताया था ये वाला क्या करना है, बोलो इसका, सिर्फ वन में आएगा ना, सिर्फ वन में आएगा बस, बाकी में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, रेमिटेंस इन इंडिया नॉट अलाउड, वेरी गुड, बाकी के लिए नहीं है कि रेमिटेंस है, सब में आएगा, yes. सब में आएगा, इंडिया सब में आएगा, yes. सिर्फ वन में आएगा, ये कंप्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, कंप्यूटेड वर्ड मतलब वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था ना, जो मैं वहां लिखा था कि इट विल बी इन लाइक तुम्हारा इट विल बी इन हाउस प्रॉपर्टी में सीखेंगे हम लोग, ये किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल इन नन, पिछला पुराना बात कर रहा है, पुराना इनकम इंडिया में लाया है, तो रेमिटेंस तो टैक्सेबल नहीं होता है, सर आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, बेटा ये तो नया इनकम है, ये क्या बोल रहा है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम, ये किसी में नहीं होता है, ये किसी में नहीं होता है, सर वन में क्यों कैसे, एग्रीकल्चर में तो वो नहीं है सर, ये नेपाल वाला है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल,
अरे वन में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है। कॉपी में लिख रहा है ना कि नहीं लिखा है अभी तक? तुम लिख लेंगे बुक में, बड़ी लिख लिए बहुत फास्ट, आप जा रहे तुम बहुत फास्ट लिख लिए। और इंटरेस्ट का है उसको 80 टीटीए में डिडक्शन मिलता है, एक बार तो पूरा टैक्सेबल होता है लेकिन बाद में 80 टीटीए में डिडक्शन है। ये किस में आएगा बोलो खाली? वन में आएगा खाली? वन में आएगा सर। ये तीनों में आएगा? इंडियन बंदी है। और ये तो एग्जेम्प्ट है? एक बार फिर से रिवाइज करें ये सम। हाँ सर। स्टार्टिंग से देखो, कॉपी निकालो ना, कॉपी निकालो ना, पर्टिकुलर्स और तीन कॉलम बनाओ ना। बना दिए सर, कॉलम बना दिए। हाँ, पहला वाला में लिखो 10,000, 5,000, 5,000। हेडिंग दिया RORI, RNORI, NRI। दे दिए सर। पहला वाला में क्या लिखा? 10,000, 5,000, 5,000 लिखा। हाँ। ठीक है। दूसरा वाला में 20, 20, 20। हाँ, 20, 20, 20। फिर तीसरा में 20, 20, 20। हम लिख रहे। दूसरा और तीसरा में पूरा पूरा टैक्सेबल होगा? फुल टैक्सेबल। चौथा वाला खाली पहला वाला में आएगा? पहला वाला में होगा। अच्छा, इसमें 40, 20, 20 50% एनआर इसमें है। फिर 70, 70, 40। यस। फिर 15, 15, 15। Okay. फिर खाली वन में आएगा 50,000। फिर ऑल में आएगा 12,000, 12,000, 12,000, 8,000, 8,000, 8,000 और 26,000, 26,000, 26,000। मैंने हाईलाइट भी कर दिया क्यों रीजन। मैंने हाईलाइट भी कर दिया रीजन। सर एक सेकंड रुकिएगा, आराम से टाइम। हाँ सर, ठीक है। यस सर। ये सिर्फ वन में आएगा? Yes. ये किसी में भी नहीं आएगा? पास्ट वाला, पास्ट ये हाईलाइट करके लिखो, किसी में भी नहीं आता पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम। चौदह नंबर से वन में आएगा क्योंकि नेपाल में है ना। हाँ, बाकी के लिए तो रेमिटेंस माना जाएगा। ये वन और टू दोनों में आएगा? सिक्सटीन नंबर वाला हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सीखेंगे, एग्जेम्प्ट होगा। शादी में तुम जितना भी गिफ्ट रिसीव करते सब एग्जेम्प्ट होता है। और 17 वाला आएगा तो तीनों में, लेकिन स्टार देके लिख लेना, एग्जेम्पशन मिलेगा हम लोग को सेक्शन 80 टीटीए में। वी विल गेट द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। वी विल गेट द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80 टीटीए।
18 नंबर खाली वन में आएगा, 19 नंबर तीनों में आएगा, 20 नंबर तीनों में नहीं आएगा। 18 नंबर खाली वन में आएगा, 20 किसी में नहीं आएगा, 20 किसी में नहीं आएगा, 19 नंबर तीनों में आएगा, 18 वन में आएगा। टोटल मारो, देखो 10,000 का मैक्सिमम डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट में 10,000 का मैक्सिमम डिडक्शन है। अगर आपका यही आंसर आ रहा है तो आपने सही किया, ग्रॉस इनकम ये आएगा और टोटल इनकम ये आएगा। सर लेकिन आएगा तो तीनों में ही ना सर, हाँ एग्जम्पशन के पहले तो तीनों में आएगा ना। ये रिलायंस पेट्रोल वाला पूछ रहा है, मैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाले, हाँ डिडक्शन तो सबको ही मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग में पहले तुम जीटीआई मैच करो ना, जीटीआई तुम्हारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक सेकंड से एक लिखना बाकी है। प्रणव हो रहा है, वेदिका? यस सर। ठीक है ठीक, वहां से मैच हो गया, मैच कर गया। यस सर। देखो अल्टीमेट हम लोग का रिवीजन क्या है सर, अगर आर ओ आर आई होगा तो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, सर अगर आर एन ओ आर आई होगा तो या तो अक्रूवल इन इंडिया है या डीम टू बी अक्रूड है या रिसीव्ड है या डीम टू बी रिसीव्ड है या फिर सेटअप इन इंडिया, इंडिया है और वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है सर, सेटअप मतलब, हाँ और एनआरआई का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये चार received or either accrued in India or received in India, हाँ ये चार। और नोट क्या करना है अपने को, काला बात रेमिटेंस नहीं होता है और रिसीव का मतलब फर्स्ट रिसीव इन इंडिया, हाँ और पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम नॉट टैक्स। तो इसका मतलब कि पास्ट ईयर में कोई इनकम की आप वो अरे तुम समझा नहीं, तुम समझा नहीं पैसा अभी इंडिया में वापस आ रहा है, जब वो इनकम अक्रू हुआ तब तो वो टैक्स लग चुका होगा, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता, एक ही बात याद रखना है रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता है। हाँ वो समझ गया, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता है। अब तुम्हारा एक ही सवाल हो सकता है, सर आर ओ आर आई में तो हम लोग ले रहे हैं, आर ओ आर आई में तो हम लोग ले रहे हैं,
इसका सिंपल सा आंसर ये है, आरओआरआई में तो भाई ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, इसलिए लंदन में कमाया हुआ इनकम को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ रहा है। Is it done? Yes, sir. This is already cut, so we have to do this. Chalo. Indian citizen left India to work as an officer of a company. मतलब इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के गया है इंडिया को, तो ओनली कंडीशन वन, वन एटी टू डेज। अच्छा, अप्रैल का 30, मई का 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बताओ कितना आ रहा है? 175 days, है ना? हाँ सर। इसका मतलब आंसर क्या होगा? NRI। अब तुम हमसे पूछ रहे थे आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा मेरा प्रोविजन, दिस इज द प्रोविजन, this is the facts of the case, and this is the conclusion. Is it clear? Yes, sir. Next, Mr. Day, a non-resident residing in US since 1990, came back to India previous year 1920 mein hua hai, kab aaya wo? Previous year 1920. For permanent settlement, what will be his residential status for the assessment year? तो सीधा सा बात है सर, previous year 2020-21 में तो पूरा 365 दिन रहा है, तो वो primary condition तो satisfy कर गया? कर गया। ठीक है, अच्छा, अब secondary में वो दोनों ही नहीं किया? हाँ, दोनों ही नहीं किया। क्योंकि he is not satisfying बोथ द कंडीशन, पिछले 7 साल में वो 730 दिन भी नहीं था, और पिछले 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट भी नहीं था, तो आरएनओआरआई इज अ आरएनओआरआई। ये तो मेरे को लगता है तुम लोग कर लेगा, लेकिन इसमें अभी तुम लोग खुद से करेगा, मिस्टर रमेश कौन है? ठीक है, कनाडा में सेटल्ड है और दिल्ली में सेटल्ड है, इसका मतलब मिस्टर रमेश हो गया एनआरआई, और मिस्टर सुरेश हो गया आरओआरआई। ठीक है, अच्छा, सिर्फ तुमको मेरे को एक चीज बताना है इसमें, वो है ये लाइफ इंश्योरेंस पेड जो होता है ना, उसमें 80C का डिडक्शन मिलता है, ध्यान रखना, 80C का डिडक्शन मिलता है। इस हम लोग कहां सीखेंगे? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में सीखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको सम करते करते किसी दूसरे बुक से इस चैप्टर कुछ भी आता है ना, उसको स्टार मार के बाद के लिए सेव करके रखिएगा। अभी मेरे को मतलब इससे है सर, ग्रॉस तो निकाल लेंगे ना बिना डिडक्शन के। हाँ, निकाल लो, अभी करें सर। हाँ करो,
सर नंबर सेवन में तो डिडक्शन होगा सर। आगे आंसर सत्रह हजार पांच सौ चालीस हजार है ना। okay. यही लिखे हो ना। yes, sir. ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये ऐसे की सीरियटली आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इसमें डिडक्शन होगा सर, ये नंबर में इसमें 7000 पूरा बात हो जाएगा और इसमें 10000 बात होगा। ये नहीं आएगा, माइनस डिडक्शन की के लिए चलेगा। तो अभी क्या अभी डिडक्शन नहीं किया, वो लास्ट में बता रहे हो, तो लास्ट में बता रहे हो। और ये
देखें क्या आंसर आंसर हो गया पर जैसे बोले वैसे ही हुआ मैच हो गया ना ठीक है बाकी तो घर पे कर लेना ठीक है और प्लीज सारा सम सॉल्व कर लेना सॉल्व ऑल सम्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स आईसीएमआई मैट कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग 15 मिनट एक बार डाउट क्लियरिंग क्लास रख लेंगे और उसके बाद विल स्टार्ट विद द चैप्टर सैलरीज इज इट क्लियर यस सर चलो बाय यस सर